पौन भी दुष्ट स्वभाव से कुचक्र बार बार करती है। संतोषी माता की दुश्मन बन के रुकुटी वक्र लगती है। मैं विश्वास है स्वाति के पेट में हमारा ही बच्चा है। ठीक, लेकिन अगर डीएनए टेस्ट में यह साबित हो गया कि तुम्हारे पेट में किसी और का बच्चा है तो हम अपने हाथ से गलत मार दूंगी तुम्हारा और कोई नहीं बचाएगा तुमको। जगत जननी देवी संतोषी अपने सभी भक्तों के कष्टों का निवारण करके सर्वोच्च स्थान पर पुनः पहुंच चुकी हैं, किंतु अब हम कुछ ऐसा करेंगे जिससे आप भी भयभीत हैं। आपकी सबसे प्रिय भक्त स्वाति की कोख पर प्रहार। हम आज से अभी से ये प्रण लेते हैं कि आपके वरदान को फलीभूत नहीं होने देंगे, चाहे इसके लिए हमें साम दाम दंड भेद समस्त उपाय क्यों ना करने पड़े। कहाँ से आ रही? इंद्रेश, इंद्रेश। हाँ, कहो। बच्चे की रोने की आवाज आ रही है, कहीं सिवन्या तो नहीं रो रही? तो भाभी के साथ होगी ना, उनके कमरे में सो रहे हुए। तुम भी सो जाओ, काम का तुम्हारे कान बज रहे होंगे। सो जाओ, सो जाओ। भाभी के कमरे से तो नहीं आ रही आवाज, बाहर से ही आ रही। हुआ का है, कहीं से रो रही है बच्ची? सिवन्या की तबीयत तो नहीं खराब हो गई? भाभी, 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 कहाँ हैं आप? चंदा मामा दूर के पुए पकाए गुड़ के, आप खाए थाली में, मुन्नी को दे प्याली में। बिटिया रानी कहाँ हो गया? काहे रो रही हो इतना? हाँ, चुप हो जाओ। नहीं नहीं, इतना नहीं रोते। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। भाभी, कहाँ हो गया सिवन्या को, काहे रो रही है इतना? अरे स्वाति, अब का बताएं काहे रो रही है। पूरी रात रोई है, बहुत रोई है, हम सब कुछ करके देख लिए पर चुप ही नहीं हो रही है। ना खुद सोई है, ना हमको सोने दी है ये। आप पूरी रात जाग रही थी अकेले? अरे अकेले नहीं तो का दुकेले, किसी को कुछ पड़ी थोड़ी ना है। वहाँ घोड़े बेच के बेसुध होके सो रहे हैं तुम्हारे भैया। पर अब हमको तो जगना पड़ेगा ना, ये हमारी बिटिया की तरह जो है। चलो चलो चलो, लो पी लो पी लो। अभी हमारी बेटी जैसी हो गई है तो हम तो इसका ध्यान रखेंगे ना। कितनी सुंदर बिटिया है पर गलत घर में पैदा हो गई। बाप हूँ अपने कर्मों की सजा काटने जेल में है, माँ अस्पताल में और यही अकेली। पर जब तक हम है ना, ये बिल्कुल अकेली नहीं रहेगी। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। भाभी जरा हमें दीजिएगा, पता हमसे चुप हो जाए। नहीं नहीं स्वाति, ये ना हमको माँ समझ रही है अपनी, तब देखो इतना रो रही है। तुम्हारी गोद में जाएगी तो और रोने लगेगी ये। अच्छा ठीक है, नहीं हाथ लगाएंगे, पर कमरे में चलते हैं, यहाँ और तबीयत खराब हो जाएगी। कमरे में चलते हैं, आराम से इसको लेटाते हैं, फिर देखते हैं क्या बात है। कभी कभी बच्चों को बदहजमी भी हो जाती। अच्छा ठीक है, चलो। आई हेट किड्स, सो ब्लडी इरिटेटिंग, जब देखो रोते रहते हैं। सारी नींद खराब कर दी, पता नहीं अब कहाँ रो रहा होगा। नहीं नहीं, रोना नहीं है। वो तो भारतीय नारियों के साथ है, आई होप अब चुप हो जाएगी। हुँ?
है ना, लगी तो नहीं आपको? मेरे बाल खींच रहे, इट्स हर्टिंग। देख के चलना चाहिए था ना आपको। मैं देख के ही चल रही थी, तुम देख के नहीं चल सकते। टकराई खुद है और देख कर हम नहीं चल रहे थे तो अच्छा है, सुबह सुबह हमसे ही टकराई, किसी और चीज से लड़बड़ जाती है तो पता लग जाता है। तुम हमेशा ऐसे ही बात करते हो, ये आज कोई खास ओकेजन है? देख क्या रहे हो, बाल निकालो ना अपने बटन से। अरे उलझे हुए बाल है आपके, बटन में तो अटकेगा ही ना। मेरी हेयर की क्वालिटी बाद में डिस्कस कर लेना, पहले तुम्हारे घटिया से बटन से ना मेरे बाल निकालो। छोड़ो। अरे अरे इतना टाइट पकड़ कर खड़ी है आप, कैसे निकलेगा? थोड़ा लूज छोड़िए। बैठो। खींचिए मत, लूज रखे हो। साम दाम दंड भेद, ये है हमारा पहला दाव। भेद, स्वाति और इंद्रेश के रिश्ते में भेद डालना। थोड़ा दूर होकर बैठिए ना। तुम इतना ओवर एक्ट करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी इज्जत नहीं लूट रही हूँ मैं। वैसे भी तुम्हारी इज्जत लूटने से ज्यादा इम्पोर्टेंट मेरे लिए मेरे बाल है, ऐसे ही निकालती रहूंगी ना तो टूट जाएंगे। हेल्प करो। साथी को ढूंढने निकले थे पर कहां से झाड़ी में फंस गए सुबह सुबह। भगवान का लाख लाख शुक्र है बच गए। स्वाति, 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 आराम से धीरे धीरे आओ। कहाँ चली गई थी तुम? कहाँ? तो यहाँ आई थी तो पता कर तो आती, बिना पता चले सुबह सुबह गुस्सा नहीं मालूम टकरा गई हमसे। बाद में बात करेंगे, बच्ची रात भर से नहीं सोई, बड़ी मुश्किल से चुप हुई है और भाभी कब से उसको सुलाने की कोशिश कर रही है। ओ, बेचारी, माँ की कमी खल रही होगी, पता नहीं अस्पताल से कब लौटेंगे। जरा आज फोन करके पूछना ना कि कैसी तबीयत है उनकी अब। अरे नाना, नहीं नहीं मेरा बच्चा, कोई नहीं है, कोई नहीं है। नहीं बिटिया रानी, कोई नहीं है, कोई नहीं है, सो जाओ सो जाओ सो जाओ सो जाओ सो जाओ। पागल हो गए हो का, खुसुर फुसुर कर रहे हो, देख नहीं रहे हमारी बिटिया सो रही है? का हो गया? हाँ का हो गया? नहीं 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 नहीं, सो जा सो जा सो जा सो जा। का हुआ? नहीं ऐसे नहीं रोते ना। नहीं 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 नहीं, का हो गया? हाँ का हो गया? नहीं नहीं नहीं, चुप हो जा चुप हो जा चुप हो जा। अरे मेरा बच्चा, मेरी बिच्चिया। अरे एक तो रात भर इस बच्ची के कारण हम चैन से सो नहीं पाए, अब कम से कम चाय तो हमको चैन से पीने दो। रिंकी दीदी, कहाँ बोल रहे हैं आप? और देखिए, ना सोने की वजह से भाभी की आंखें भी लाल हो गई, उन्हें भी तो आराम की जरूरत है। दीजी, तुम्हारी सच्चाई सामने ला गई, अगर कुछ भी गड़बड़ करने की कोशिश की ना तो सबको खत्म कर देंगे। सो जा मेरा बेटा, सो जा सो जा सो जा सो जा। लवलिया, एक काम करो, इको हमको या स्वाति को दे दो, तुम जाके थोड़ी देर आराम कर लो। लाओ। नहीं नहीं, अब जब तक नहीं सोएगी हम कैसे आराम करेंगे ना, रहने दो। हम एक काम करते हैं, हम हॉस्पिटल में फोन करके पता करते हैं कि अम्मा ठीक हुई कि नहीं। सोचो सोचो सोचो, बस अब हमसे और बर्दाश्त नहीं होता।
अजीब है, ऐसे कोई छोड़ के जाता है क्या? भाभी हम जाना तो नहीं चाहते पर हमें भी पूजा की तैयारी करनी है, हम थोड़ी देर में आते हैं। ठीक है। अरे आप जाइए, संभाल रहे हैं इसको। ठीक है, हम पूजा के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन तुम थोड़ी देर आराम करो। ठीक। अब बारी है हमारे दूसरे दाव की, साम। हमें तो केवल सलाह देनी, फिर तो पूरा काम स्वयं ही हो जाएगा। अरे वाह, कितनी प्यारी है। अरे अरे नहीं नहीं मत छुओ, सो रही है ना। सॉरी। बहुत ही प्यारा है, बिल्कुल आपकी तरह है। लेकिन उस दिन पार्टी में तो नहीं था, आप रूम में सुला कर आई थी। नहीं नहीं उस दिन कहाँ थी ये हमारे पास। ये बात अलग है कि हम संतोषी माँ से प्रार्थना किए थे कि हमारी गोद भर दो। ओह, मतलब ये आपका बच्चा नहीं है। नहीं, इसके माँ बाप अभी यहाँ नहीं हैं, तो हमको इसकी देखभाल करनी पड़ रही है। अच्छा, लेकिन समझ लीजिए ये संतोषी माँ की कृपा है। उन्होंने आपकी झोली भर दी, आपने प्रार्थना की थी ना उनसे बच्चे के लिए। नहीं नहीं ये तो बस कुछ दिनों के लिए हमारे पास, इसकी माँ आएगी तो ये चली जाएगी। लगता है आप संतोषी माँ की शक्ति को नहीं समझी। उनकी मर्जी के बिना कुछ होता है क्या? सब कुछ उनकी इच्छा अनुसार ही होता है। देखिए उन्होंने आपकी गोदी भर दी क्योंकि उन्हें पता है कि इस बच्ची का ध्यान आपसे ज्यादा अच्छे से और कोई नहीं रख सकता। हाँ ये बात तो सच है, इसीलिए मैं तो कहती हूँ कि आप इसे अब अपनी ही बच्ची समझिए, भूल जाइए कि इसकी माँ कभी आएगी भी। मेरा मतलब है कि अगर उसकी माँ वापस आ भी जाती है तो आप उसे इस बच्ची को मत दीजिएगा, क्योंकि जो इस बच्ची का ध्यान अभी नहीं रख सकता वो आगे क्या रखेगा। आपसे ज्यादा बेहतर इसका ध्यान और कोई नहीं रख सकता। अब हम तुमको अपने से दूर कभी नहीं जाने देंगे, मेरी बिटिया, मेरी रानी, मेरी सिवन्या। एक माँ की भावना से खेलना उचित नहीं है देवी पौलमी। अरे दीदी वहाँ कहीं खड़ी है, यहाँ आइए ना। बहुत सुंदर सजाया है तुमने संतोषी माँ के मंदिर को। दीदी अगर हमारा बस चले ना तो हम संतोषी माँ के हर मंदिर को ढेर सारे फूलों से सजा दें। ये तो कुछ भी नहीं, प्यार से चढ़ाया हुआ एक पुष्प भी संतोषी माँ के लिए खुशबू का भंडार है। ये तो आपने सही कहा दीदी, क्योंकि हमारी संतोषी माँ भाव देखती है, स्वभाव देखती है, कोशिश और प्यार देखती है। तभी तो देखिए ना फिर से लौट कर आ गई हैं इस जगह पर। कितनी सुंदर है ना हमारी संतोषी माँ, कितना तेज, कितनी दिव्यता है इनमें। ये सब तुम्हारे कारण हुआ है स्वाति, तुमने मुक्त कर दिया अपनी संतोषी माँ को, तभी तो ये तेज, ये संतोष और ये मुस्कुराहट है आज संतोषी माँ के चेहरे पर। मुक्त और हमने वो भी संतोषी माँ को? ना ना दीदी, ये तो वो खुद हैं जो हम जैसे निमित्त मात्र को जरिया बना लेती हैं। और देखिए इनके आने से कितनी शांति आ गई है इस रिजॉर्ट में, फिर से संतोष और सकारात्मकता भर गई है। जय संतोषी माँ। पुत्र हमको आने में देरी तो नहीं हुई? नहीं नहीं चाचा जी, बिल्कुल सही समय पर आए हैं आप। नमस्ते दीदी। यार का लवली भाभी, इस बच्ची को यहाँ पर भी लेके आ गई तो का अपनी बिटिया को अकेले ही छोड़ देते का कमरा में। बिल्कुल सही किया आपने भाभी, यहाँ आने से
शुरुआत से ही शिवन्या को अच्छे संस्कार मिलने शुरू हो जाएंगे। लो जी, हमारी संतोषी माँ की एक छोटी सी प्यारी सी भक्त अभी से तैयार हो गई, शिवन्या। बहुत प्रसन्न होती हैं देवी संतोषी जब लोग आपकी पूजा अर्चना करते हैं, जब लोग आपकी जय जयकार करते हैं, तो आप फूली नहीं समाते। किंतु हम आपके मार्ग में खड़े हैं और हम ये तनिक भी नहीं देख सकते कि लोग आपका सम्मान करें और हमारा अपमान। अब लोग आपका अपमान करेंगे और हमारा सम्मान, क्योंकि अब है दंड की बारी। स्वाति को मिलेगा दंड, वो भी उसके ससुर द्वारा। नारायण नारायण। माते, समय आ गया है आपके भक्तों से मिलने का। देखिए माते, धरती लोक किस प्रकार आपके भक्त सच्चे हृदय से आपकी आराधना कर आपका स्मरण कर रहे हैं। माते, वैसे माते आप अपने भक्तों को प्रसाद के रूप में कमल के पुष्प प्रदान करने आई थी, किंतु माते ऐसे प्रतीत होता है कि इन पुष्पों की सुंदरता ने आपको इनकी ओर आकर्षित कर लिया है और इसी कारण आप एक तक होकर इन्हें ही निहार रही हैं, है ना माते? या माते आपको और कोई चिंता सता रही है?
क्योंकि ऐसा प्रथम बार हुआ है माते कि आपको समय का भान ही नहीं हुआ। क्या हुआ माते, आप मौन क्यों है, कुछ बोलती क्यों नहीं माते? हाँ हेलो। हाँ हेलो सर, वो आपकी बहू स्वाति सिंह की डीएनए रिपोर्ट आ गई है। हाँ, का आया रिपोर्ट भाई।